बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंड कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई सात संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा सी चंदू दा ते पृथ्वी चंद दा किस तरह मेल होया। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि पृथ्वी चंद ने चंदू नू दस्या कि मेरा जरा हक है ना वह छोटे भरा ने दबालिया मेरे नानकियां दी मदद दे नाल। इस तों इलावा उन्हें भी आख्या मेरे नानकियां दा रहन वाला एक भाई गुरदास है जिन्हें के हर एक जगह दे उते अर्जन नू प्रगट किया। अर्जन इस तरीके दे नाल वड्डा हो गया। इस तों इलावा पृथ्वी चंद ने यह भी आख्या कि मेरे ते बहुत वड्डा इल्जाम ला के मैनू अपने पिता सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी नगरी दे विचों उस मेरे छोटे भरा अर्जन ने बाहर कढ दिता। इथों तक कथा पहुंची सी। अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। सुलही हो तो सहायक मेरा मारियो या चाणक दुखद बडेरा। पृथ्वी चंद दस रहा है चंदू नू कहिंदा है कि सुलही खां मेरा बहुत वड्डा मददगार सी मेरा सहायक सी पर मरियो अचानक दुखद बडेरा मानो कि वह भी मर गया ते मैनू बहुत वड्डा दुख दे गया। आवे अलंब मैं गही ओ तुहारो बांह गहे की लाज बिचारो। पृथ्वी चंद चंदू वजीर नू कहिंदा है कि हुण मैं तुहाडा आसरा तकिया है इस करके मेरी बांह नू फड़ो ते मेरी लाज पत नू बचा लो। सुत जुत हतो के कैद करी जै नाता फेरन को फल दीजै। चंदू वजीर नू पृथ्वी चंद कहिंदा है के प्यो पुत्रां नू दोवां नू तुसीं मार दिओ यां कैद कर लो तुहाडी लड़की दा जिहड़ा रिश्ता मुड़ गया है ना उसदा फल इस तरह दा उसनू दिओ। गुर तागा दी मैं अधिकारी मोह दिवावो करना तारी। पृथ्वी चंद कहिंदा है कि अपनी लड़की दे मुड़े हुए रिश्ते दा तुसीं बदला लो ते दूसरे पासे गुरियाई गद्दी दा मैं हकदार हां इस करके मैनू तुसीं कृपा करके गुरियाई दिवा दे। सुन चंदू ने धीरज दीन अपना चिंत कर चीत मलीन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जो पृथ्वी चंद ने इस तरह दियां गल्लां कीतियां ते चंदू वजीर ने उस दियां गल्लां नू सुनिया ते फिर चंदू धीरज देंदा है कहिंदा है अपना चिंत कर चीत मलीन। हे पृथ्वी चंद हुण तू मानो के चिंता नू छड़ दे आप ना चिंत कर मलीन पाव के चिंता दे नाल हुण तू चित नू पृथ्वी चंद मैला ना कर। मेरे संग बैर नहीं बादा चाहत निज प्राणन को बादा। चंदू वजीर कहिंदा है
कि मानो ओ सर्जन ने मेरे नाल वैर नहीं वधाया सगों मानो के अपने मौत नू सदा दिता है। सकल बिनासो तिस हंकारा कारा ग्रह में परे दुखारा। कहिंदा कि हर एक तरीके दे नाल मैं उस अर्जन दे वड्डे हंकार दा नाश कर देंगा, उस नू कैद करके जेल खाने दे विच सुट देवांगा जिथे वड्डे उस नू दुख दिते जाणगे। दियो सजाए नाता मनवाऊ तो मैं चंदू नाम कहाऊ। कहिंदा कि वड्डियां सजावां उस नू कैद दे विच दे के फिर अपनी लड़की दा जिहड़ा रिश्ता है ना उहदे तो प्रवान करावांगा। कहिंदा कि तां ही मैं अपने आप दा नाम चंदू कहावांगा। करो दीन दुख ते सब पांती तिस बासर होए शीतल छाती। चंदू कहिंदा कि जिस दिन मैं वड्डे वड्डे दुख उस नू देवांगा हर एक प्रकार दे, जदों बड़ा ही ज्यादा अर्जन नू दीन कर देंगा ना उस दिन मानो कि मेरी जिहड़ी सड़दी हुई छाती है ना उन्नू शीतलता पहुंचेगी, वो ठंडी होएगी। जात बिखे पत मोर बिगारी दोहिता साक हट्यो दुख पारी। उसने मेरी लड़की दे रिश्ते नू ना प्रवान करके मेरी जाति दे विच मेरी बिरादरी दे विच मेरी इज्जत नू खराब किया है, इसका मैनू बहुत वड्डा दुख लगा है। जावत लवपुर को नहीं जावत तावत सुख मैं साच बतावत। चंदू कहिंदा है पृथ्वी चंद नू के जिन्ना चिर तक बादशाह मानो के लाहौर नहीं अपड़दा उन्ना चिर तक तू समझ लै कि अर्जन नू सुख है उन्नू शांति है, ये मैं तेनू सच्ची गल कहना। अब शाह को देऊं उपदेश होए परवेश सो माजे देश। चंदू कहिंदा कि हुण मैं बादशाह नू ऐसा उपदेश देवांगा ऐसी सिख्या देवांगा जिस नू मन के जिहड़ा बादशाह है ना वो माजे दे इलाके दे विच प्रवेश करेगा। तहां जाए कर जतन बनावो कर फरेब को निकट बुलावो। जदों बादशाह उत्थे पहुंचेगा मैं भी बादशाह दे नाल होवांगा। उस वेले चंदू कहिंदा कि मैं फिर अनेकां प्रकार दे यतन सोचांगा ते फरेब दे नाल ओ सर्जन नू अपने कोल दरबार दे विच बुलावांगा। एक बार निज घर मैं बार दै दै हों पुन बार के वार। चंदू कहिंदा कि एक बार उस नू घर दे विच वार लवांगा ते फिर बाहरों जिहड़े बूहे ने ना वो बंद कर देंगा। जथा ब्याद को जार पसार करे फसामन बिहंग उदार। कहिंदा चंदू के जिवें कोई बदक जाल फैलाउंदा है ते जाल दे विच पंछियों नू फसा लैंदा है, इसे तरीके दे नाल चंदू कहिंदा कि मैं अपनियां चालां दा इस तरह दा जाल विछा देंगा जिस जाल दे विच ओ सर्जन नू फसा लवांगा। तिस पाछे गुरता बार गादी पहुंचे तो हे करो नित छादी। चंदू कहिंदा कि जदों अर्जन मेरे जाल दे विच फस गया उस तों बाद जिहड़ी गुरियाई गद्दी है ना वह तेनू अपने आप ही मिल जाएगी ते तू अपने गुरियाई नू सांभ ले। रहियो प्रतीखत एतो समय हठ को त्याग मोहे दिस निमै। कहिंदा कि बहुत चिर दी मैं उड़ीक कर रहा सी प्रतीक्षा कर रहा सी हठ को त्याग मोह दिस निमै, मानो कि हठ नू अर्जन त्याग देगा ते मेरे सामने गोडे टेक देगा। नाह तायब लग मैं गहवावत जिम चाहत तिस ते मन वावत। चंदू कहिंदा कि मैं ते प्रतीक्षा कर रहा सी मैं ते उड़ीक कर रहा सी
कि अजे भी मेरी लड़की दे रिश्ते नूं प्रवान कर लेगा, नहीं तो मैं कदे दा कहिंदा कि उस नूं फड़ के मरवा देंदा, जिवें चाहुंदा वो कर लेंदा। कह ले नाता कह दे प्राण, निश्चय होए है ही निदान। चंदू पृथ्वी चंद नूं कहिंदा कि हुण अर्जुन दे वास्ते दो गल्लां ने, जां ते अर्जुन अपने प्राणा दा नाश करवा लेगा ते जां मेरी लड़की दे रिश्ते नूं प्रवान कर लेगा। अखीर दे उत्ते चंदू कहिंदा कि इही जिहड़ा नतीजा है ना हुण निकले। सुन सुन पृथिया अंग न मावे, कर आनंद चंदू बड़े आवे। जदों चंदू इस तरह दीआं गल्लां करी जांदा उस वेले उन्हां गल्लां नूं सुन सुन के पृथ्वी चंद मानो के फुल्लिया नहीं समाउंदा, जिहड़ी खुशी है उस तों सांभी नहीं जांदी, आनंद करके चंदू दी वड्याई करदा। कहिंदा तुम मालक जग के समरथ, बख्शन हतन नरन बिच हथ। चंदू दी वड्याई दे वास्ते कहिंदा है पृथ्वी चंद कि हे चंदू जी, तुसी ते दुनिया दे मालक हो, तुसी ते हर एक प्रकार दे समरथ हो। कहिंदा है कि मनुखां नूं मार देना ते मनुखां नूं बचा लेना ये तुहाडे हथ दे विच। इम बक सम अग चितवत दो, सिरे पाओ चहद बे सो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि मनो दोवे जिहड़े झूठे बगले ने ना, इस तरह दियां व्योंतां व्योंतदे ने, चितवदे ने, सिरे पाओ चह दैबे सोई। इस तों इलावा मानो कि हुण पृथ्वी चंद सिरोपा देना चाहुंदा है चंदू। बहुत मोल को जरी बिसाला, गोर कर को लेहो रहो सुखाला। चंदू दे वास्ते जिहड़ा सिरोपा तैयार कीता सी पृथ्वी चंद ने, उस नूं दे के कहिंदा है गुर घर को लेहो रहो सुखाला। मानो के गुरु घर दा इह सिरोपा है, इस नूं प्रवान करके सौखे रहो। सादर चंदू ने तबलीन, सिर पर धर कर आनंद कीन। बड़े सत्कार दे नाल उस दिते हुए सिरोपे नूं चंदू ने प्रवान कीता ते सिरोपा लैके सत्कार दे नाल आनंद नूं धारण करके चंदू ने उह सिरोपा अपने सिर दे उत्ते रख लिया। दरब मंगाए अरपना करे, हाथ जोर नमर्यो हित तरे। इस तों बाद चंदू ने थोड़े पैसे मंगवाए ने, ओह मानो के पृथ्वी चंद दे चरणा दे विच अर्पण कीते। पृथ्वी निश्चय कीन सतबै, गुरता प्राप्त मोको अवै। उस वेले कवि जी लिखते ने कि पृथ्वी चंद ने इस तरह का निश्चय कर लिया है कि हुण मैनू गुरियाई जरूर मिल जाए। सुलही ते अह महान, मालक मुलकन शाह दीवान। सोचता है पृथ्वी चंद के सुलही खां मेरा बहुत वड्डा सहायक सी, पर ये जरा चंदू है ना, ये ते सुलही खां तो वे वधेरे मेरे वास्ते सुखदाई साबित होवेगा, क्योंकि जरा मुलकां दा मालक बादशाह है ना, ये उसका सारियां तो वड्डा दीवान है, वजीर है। करियो सखापन सुख को पाए, चिते मनोरथ होए दुख दाए। दुखदाई जिहड़े मनोरथ ने उन्हां नूं पृथ्वी चंद सोचदा है ते सोचदा है कि हुण जिहड़ा चंदू है ना मेरा सखा बन गया है, मेरा मित्र बन गया। केतक दिन तब दिल्ली रहे ओ, नित चंदू मिल होए हित लहियो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इसे तरीके दे नाल काफी सारे दिन पृथ्वी चंद दिल्ली दे विच रहा, रोज ही चंदू नूं मिलदा रहा। इस तरह दोवां पासियां दा बहुत ही ज्यादा प्यार एक दूजे दे नाल वध गया। सदन जान को पुण चित चाहा, गमन्यो शाह सचव के पाहा। हुण पृथ्वी चंद अपने घर नूं वापस मुड़न दा यतन करदा है। एक दिन वजीर दे कोल पृथ्वी चंद पहुंचे।
सादर बैठे मसलत करें, श्री अर्जन संग अग को तरें। एक दूजे नू मिलके बैठे ने सलामा करदे ने कि श्री अर्जन नू सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू किस तरीके दे नाल फड़ना है या मारना है। मोको देह बिदा घर जावो, बीत्यो चिर कुटंब सुध पावो। पृथ्वी चंद चंदू नू कहिंदा कि हुण मैनू तुसी विदायगी दिओ, मैं अपने घर चला जावा, बहुत चिर हो गया इत्थे रहिंदिआं, मैं अपने परिवार दी खबर सार जाके लवां। रहो प्रतीखत पंथ तुम्हारा, आवन मैं नहीं करो युवारा। पृथ्वी चंद कहिंदा है पर मैं हमेशा तुहाडा राह उड़ीकदा रहांगा, तुसी देर ना लायो, छेती तो छेती बादशाह दे समेत माझे दे इलाके दे विच पहुंचे। एक आसरो हमने हेरा, तुम ते कार सुधर है मेरा। पृथ्वी चंद चंदू नू कहिंदा है कि सिर्फ इको ते एक मैं तुहाडे आसरे नू फड़िया होया, तुम ते कार सुधर है मेरा, तुहाडे कारण करन दे नाल ही मेरा जरा कारज है ना वो सौरेगा। बार बार क्या कहूं बनाई, जानत सब बिद की चतुराई। पृथ्वी चंद कहिंदा है कि मैं बार बार तुहानू क्यों आखां, क्योंकि तुसी ते बड़े श्रेष्ठ बुद्धि दे मालक हो, सारा कुछ चतुराई दे नाल जानदे हो, मैं बार बार की आखां। ज्यों क्यों करो शाह को त्यारी, लवपुर थेरो आए जिस बारी। पृथ्वी चंद कहिंदा है कि जिवें ना किवें बादशाह दी तैयारी करवाओ ते लाहौर दे विच आण के तुसी टिको। कहिंदा है कि जदों तुसी लाहौर दे विच आओगे, रावर संग मिलो मैं आई, तह ले है सब बात बनाई। पृथ्वी चंद कहिंदा है कि जदों लाहौर दे विच तुसी पहुंचोगे, फिर मैं उत्थे लाहौर दे विच आण के तुहानू मिलांगा ते उत्थे बैठ के सारी जिहड़ी गल बात है ना उसी कर लवांगे। मैं पुकार कर हो तिस थाना, बने बुलावन केर बहाना। पृथ्वी चंद कहिंदा है चंदू नू फिर लाहौर दे विच मैं आण के बादशाह दे अगे पुकार करांगा, फरियादी बनांगा, ते फिर इस तरह फरियाद करन दे नाल अर्जन नू सभा दे विच बुलाउण दा जिहड़ा बहाना है ना वो मिल जाएगा। लवपुर मैं निज घर ले जावो, मन पाव तेरे पसंग करावो। फिर कहिंदा है चंदू नू कि लाहौर दे विच तुसी अपने घर दे विच अर्जन नू लै जायो ते मन पाउंदा रिप नू वैरी नू तुसी दंड दे। चंद रोज मैं चंदू कह, हमरो आवन होए तह रह। जदों इस तरह दी पृथ्वी चंद ने गल्लां कीतियां ते अगो चंदू कहिंदा चंद रोज मैं, चंद रोज दा भाव हुंदा थोड़े दिनां दे विच। चंदू कहिंदा कि जिस तरह तू कहना है थोड़े दिनां दे विच ही मैं बादशाह दे समेत लाहौर आवांगा ते असीं उत्थे ही टिकांगे। बिलम नहीं बहु जानो साची, होए पूरन जिस मैं रुच राची। चंदू कहिंदा है कि देरी नहीं है, मेरी गल नू सच्चा समझ, असी जो सोचिया होया ना जेड़ी गल साडी रुचि दे विच आई होई है ना वो छेती पूरी होए। मिलो आए सब कार सुधार, गुरता देह शतर को मारे। चंदू कहिंदा है कि जदों उत्थे बादशाह दे समेत मैं पहुंचांगा, तू आण के उत्थे मैनू मिली, मैं तेरे सारे काम सवार देंगा, गुरियाई तेनू दवा देंगा ते तेरे वैरी नू मार देंगा। महा दुष्ट सो मसलत करके, पायो बिसर्जन सुख और परके। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि चंदू ने ते पृथ्वी चंद ने इस तरह दियां विचारां कीतियां ने, उस चंदू दुष्ट नू मिलके फिर जिहड़ा पृथ्वी चंद सी ना उस सुख नू पा के अपने घर दे वल तुरिया। दिल्ली ते है कार्य सवार,
गमन्यो तूरन मग पग डार। दिल्ली तो असवार होके अपने पिंड दे रस्ते नू चल पिया। पहुंचो कोठे ग्राम मझारा, मेरे आन अपने परिवारा। आखिरकार अपने पिंड कोठे दे विच पहुंचा है, अपने परिवार नू आन के पृथ्वी चंद मिलिया। मेहरवान को ले कर गोद, बैठो पृथिया पाए पर मोद। अपने पुत्र मेहरवान नू प्यार दे नाल पृथ्वी चंद ने अपनी गोदी दे विच बठाया ते बहुत ही खुशी दे नाल बह गया। चंदू संग मिलन हर खावन, सब करमो टिक करियो बतावन। चंदू दे नाल किस तरह मिलाप होया पृथ्वी चंद दा, बड़ी खुशी दे नाल ओ सारा कुछ पृथ्वी चंद ने अपनी घरवाली करमो नू दस्या। के चित दिन मैं गुरता गादी, हम टिग आए होए सब शादी। करमो अपनी घरवाली नू पृथ्वी चंद कहिंदा कि हुण ओ दिन दूर नहीं है कि जदों मैं गुरियाई गद्दी दे उत्ते बैठांगा ते साडे घर दे विच उसे तरह खुशियां होणगियां जिवें अजकल अर्जन दे घर दे विच ने। प्रथम सहायक भयो विनाश, अब चंदू हम करें हुलास। करमो नू कहिंदा पहला जड़ा मेरा सहायक सुलही खां सी, ओ मर गया, ओदा नाश हो गया, पर ऐस वेले चंदू जड़ा वजीर है ना, ओ सानू हुलास करेगा, सानू खुश करेगा। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने अध्याय दी समाप्ति करके नवे अध्याय दा प्रारंभ कर दे। श्री अर्जन जग सतगुरु, संगत करत उधार। सहत आनंद बिलंद के कितक काल को टार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू मारन दियां एक पासे तैयारियां हो रही ने, ते दूसरे पासे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी मानो के संगतां दा उधार कर रहे ने, उन्हां दा भला कर रहे ने। सहत आनंद बिलंद के कितक काल को टार, आनंद वड्डे दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने काफी सारा समा इसे तरीके दे नाल बतीत कीता। सिख हजारों शरणी पर हैं, वाहे गुरु को दे उपदेश। कवि जी लिखते ने कि हजारां दी गिनती दे विच सिख सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दे ने, ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी परमेश्वर दे सच्चे नाम वाहिगुरु दा उन्हां नू उपदेश देंदे ने। अजमत जुत बहु जीव मुकत पे, कांटे बंधन को मत कलेश। सतगुरां दी कृपा दे नाल बहुत सारे जीव करामातां दे मालक बने और कहिंदे ने कि मुक्त हो गए, जिहड़े खोटे कलेश दे बंधन सन्ना उह कट्टे गए। सेवा कर कर शरदा धर धर, पातक हर हर पए विशेष। सेवा नू कर करके शरदा नू धारण कर करके मानो के वड्डे वड्डे जिहड़े विशेष पाप सेना ओ लोकां दे कट्टे गए। कितक समीप रहत नहीं गमनत, दर्शन को सुख लह अशेष। कवि जी लिखते ने कि कई कई इन्ने प्रेमी सिख ने कि जिहड़े सतगुरां दे कोल आउंदे ने ते वापस अपने घर नू नहीं जांदे, हमेशा सारा जिहड़ा दर्शनां दा सुख है ना उहनू प्राप्त करदे। अपर देश कर बे किर तारथ, कितक विसर्जन होया चल जाए। पर कई जिहड़े ने ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰੂਪ ਬਸਾਵੇ, ਨਿਸਚਲ ਮਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। निश्चल मत कर, अपनी मत नू अपनी बुद्धि नू टिका दे विच लाउंदे ने, नहीं डुलाए कदे डोलदे ने। मिले तिनो उपदेशत सिखी, हसते तिखी जो अद काए। कवि जी लिखदे ने कि जिन्ना सिखां ने
गुरु दे स्वरूप नूं अपने हिरदे दे विच वसाया होया, जिन्हां दी मत स्थित हो गई है, जिहड़े कदे भी सिखी तों डोलदे नहीं हन। जदों ऐसे सिख होरनां नूं उपदेश दिंदे ने ते उह वी सिखी दे मार्ग दे विच आ जांदे ने, क्योंकि ऐसियां दी जबान दे विच तासीर हुंदी है, ताकत हुंदी है। आसते तिखी जो अधकाए, ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि गुरु की सिखी ऐसी है जिहड़ी तलवार की धार दे नालों में बहुत ज्यादा तिखी है। गुरु की सिखी के बारे भाई गुरदास जी ने भी लिखा हुआ है। भाई गुरदास जी लिखते ने, गुर सिखी बारीक है, खंडे धार गली अत पीड़ी, उथे टिक है ना पुण हना, चल ना सकै उपर कीड़ी। भाई गुरदास जी ने गुरु की सिखी नूं इस तरह आख्या है कि खंडे की धार वर्गी तिखी है, मन नूं कि जिहड़ा पुणहणा है ना उह वी उत्थे ठहर नहीं सकदा। मच्छर तों वी छोटा एक जीव उड्डण वाला हुंदा है, उहनूं आख्या जांदा है पुणहणा। भाई गुरदास जी लिखदे ने, पुणहणा वी उहदे उत्ते ठहर नहीं सकदा ते कीड़ी वी उस तिखी धार दे उत्ते चल नहीं सकदी। गुरु दी सिखी ऐसी बारीक है। मेरा सिर्फ कहण तों पावे है कि ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, आसते तिखी जो अधकाए, गुरु की सिखी ऐसी है जड़ी के तलवार की धार दे नालों में बहुत तिखी। गुर पाने कह मान सुख सो, एक सम वृत्ति ना शोक यो पाए। कवि जी लिखते ने कि गुरु दे सिख ऐसे ने जिन्हां ने सिखी की कमाई की है, गुरु दे पाणे नूं मनदे ने बड़े सुख दे नाल, और उन्हां दी जिहड़ी वृत्ति है ना उह सुख दे विच ते दुख दे विच इक्को जिही रहिंदी। जह कह गुर बाणी बिथरी, सुथरी कर कंठ हर खाए। जिथे किथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी जिहड़ी गुरबाणी है उहदा विस्थार होया, सुथरी कर कंठ हर खाए, जिहड़ी बड़ी साफ सुथरी है उहनूं सारे जबानी याद करते ने, कंठ करते ने। पात कदा दर गन को यहनी, दहनी बिगन बिपन समुदाए। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी गुरबाणी की जिहड़ी वड्याई है ना उहनूं कहिंदे ने, कहिंदे ने पातक दादर गन को अहनी, भाव के सारे पापा रूप डड्डुआं नूं सपनी बन के ये गुरबाणी खा जाण वाली है। ਅਦਾਹਣੀ ਵਿਘਨ ਵਿਪਨ ਸਮੁਦਾਇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਮ੍ਰਿਗਨ ਵਿਕਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਸ਼ੇਰਨ, ਪ੍ਰੇਰਨ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸ ਤਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵੱਤ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸ ਤਾਏ, ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸੁਗਮ ਸੁਜਨਨੀ, ਹਨਨੀ ਮੋਹ ਜਨਨ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੇ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਪੁੰਜ ਮਨੋਰਥ ਪੁਰਨੀ, ਫੁਰਨੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਔਰ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁਰਨੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਔਰ ਮਾਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਕੀ ਇਹ ਬਿਰਾਗਨ, ਰਾਗ ਕੇ ਸਤ ਨਾਮ ਕੀ ਆਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਗਣ ਸਤ ਨਾਮ ਕੀ ਆਹੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਪਵਾਵਨ ਹਾਰੀ, ਹਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਦਾਹੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਪਾਠ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਵਤ, ਜੋਵਤ ਆਪਣ ਰੂਪ ਸੁਖ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਵਤ ਆਪਣ ਰੂਪ ਸੁਖ ਪਾਹੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ।
जैसे है तजा गया अवतारे प्रभु सब जीवन की चह काले आन। मानो के जिस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अवतार नु धारण किया है जड़ा सारा कल्याण है ना ओ हो रहा है। होत नेता प्रतिकार जे ऐसे जैसे वदै भगत अर ज्ञान। मानो के ऐसा काम हो रहा है कि जिस दे नाल हमेशा प्रेमा भगती वधदी है ज्ञान मिलता है। इस तरह का सारा कुछ हो रहा है जो के होना चाहिदा सी। पुर बन बिखे आए गण संगत मंगत वाहे गुरु दे दान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि गुरपुरबां दे उते इस तो इलावा वड्डे वड्डे त्योहारां दे उते बहुत सारी सिख संगत सतगुरां दे चरणां दे विच पहुंचदी है ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी वाहिगुरु नाम दा दान दिंदे ने। आई उपायन अरपै पग पद परे शरण कर संकट हान। सतगुरां दे सिख सतगुरां दे चरणां दे विच आण के भेटां नूं अर्पण करदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी चरण सरण दे विच रह के अपने संकटां नूं दूर करदे ने। एक दिन श्री अर्जन गुर बैठे हरि मंदिर मैं शुभत विशाल। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी हरि मंदिर दे विच शोभा दे समेत बैठे सन। महादेव तब त्याग सदन को कर स्नान श्री अमृत ताल। महादेव जी अपने घरों निकले ने आण के अमृत सरोवर दे विच इशनान कीता। गायो अनज के निकट देख तब लियो बिठाए मान के नाल। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे कोल महादेव जी पहुंचे ने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अदब दे नाल सत्कार दे नाल अपने कोल बिठा लिया। शब्द रबाबी गावत सुंदर सुनत रयो कर प्रेम विशाल। जदों महादेव जी कोल पहुंचे ने सतगुरां दे उस वेले कवि जी लिखते ने कि रबाबी शब्दां दा कीर्तन सुंदर कर रहे सन प्रेम दे नाल बैठ के महादेव भी सुनदा रहे। चौंकी को जब भोग परयोत श्री मुख ते फुरमावन कीन। जदों कीर्तन दी समाप्ति हुई ते उस तों बाद सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता। केंद्र ने बड़ी कृपा कर तुम चल आए आए सदेह उचित चित चीन। महादेव जी नु सतगुरु जी केंद्र ने के वड्डी कृपा करके तुसी इत्थे चल के आए हो केंद्र ने के हुक्म दियो तुसी की लोड़ दे। हमरावर के नित अनुसारी अहो शांत मत गुर जस पीन। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महादेव जी नु कहंदे ने तुहाडे हुक्म दे हमेशा ही मैं अनुसार हां। भली बारता नित समझावत ज्ञान उदत मैं सद मन मीन। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि महादेव जी हमेशा तुसी सानू सही ते सच्ची गल समझाउंदे हो। मानो के ज्ञान दा जरा समुंदर है ना उस दे विच मच्छी बन के तुसी विचर रहे हो। शांत मत गुर जस पीन तुहाडी मत जिहड़ी है बड़ी शांत है ते गुरु दे जस दे विच भिजी हुई। महादेव और हर ख्यो अतिशय तुमको ऐसी ही बन आए। जदों सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह दे वचन कीते ते महादेव जी उन्हां दे वचनां नूं सुन के बड़े खुश होए कहिंदे ने तुमको ऐसी ही बनाए हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुहानूं ऐसी ही गल करने योग बनदी। सर्व जगत के गुरु शिरोमण मुझको बोलत बहु वडियाए। महादेव जी कहिंदे ने के मानो जगत दे गुरु हो सारयां तों शिरोमणी हो पर फिर भी कहिंदे ने के मेरी वडियाई दे वास्ते मैनूं इस तरह दे वचन कहिंदे हो। ऐ बडन की एह बड़े आई पर जस कहनो अपना दुराए। महादेव जी कहंदे ने के वड्डियां दा ए वड्डापन हुंदा है
ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਸ ਨੂੰ ਦੁਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਡੋ ਪ੍ਰਾਤ ਕਰ ਮੁਝ ਕੋ ਜਾਣੋ ਤੁਮ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਅਦ ਕਾਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕਾਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉੱਚੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਕੀ ਗਾਦੀ ਤਿਸ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨੋ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋ ਸਮਾਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਮੋਹ ਔਰ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਾਈ ਅਬ ਨਾਹੀ ਤਯਨ ਜੇ ਆਪਣੋ ਜਾਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਨਾ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਤੁਮੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੋਇੰਦ ਵਾਲ ਅੰਸ ਹੈ ਤਿਨਕੀ ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਸਨੇਹ ਸੁਠਾਣ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਰੇ ਅਮਰ ਦਿਵਸ ਸ਼ੁਭ ਪੂਨੋ ਉਤਸਵ ਕਰਤ ਸਕਲ ਹਰ ਖਾਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗਣ ਮਿਲੈ ਆਏ ਕਰ ਪਾਏ ਮਹਾਂ ਫਲ ਸਭ ਸੁਖਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਏ ਮਹਾਂ ਫਲ ਸਭ ਸੁਖਦਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇ। ਹੈ ਮਮ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਾਹਾਂ ਜਾਣ ਕੀ ਚਾਹੋ ਤੁਮਾਰੀ ਅਬੈ ਰਜ਼ਾਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹੋ ਪੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਉਹ ਮਿਲੈ ਪੁਨ ਆਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਉਹ ਮਿਲੈ ਪੁਨ ਆਏ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਸੁਣਤ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਹਰਖਤ ਹੋਏ ਕਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਤੁਮਰੀ ਹੈ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਧਨ, ਹੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ। ਹਮ ਪੀ ਚਲੈ ਕਰੈ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਉਤਸਵ ਪੂਰਨ ਮਾਂ ਮਨ ਮਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਪੁਰ ਪਿਖੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਹਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਪਾਏ ਫਲ ਜਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਜਹਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਪਾਏ ਫਲ ਜਨ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ।
चिर बीत्यो दरसे बिन थलको उमग धरे दा विलोक प्रसन्न। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि काफी सारा समा हो गया है, मैं उस जगह दे उते नहीं गया, मैं भी प्रसन्नता दी हालत दे विच उते जावांगा। इम सादर बहु प्रात सराहियो महादेव सुन कर हर खाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपने महादेव भरा की शलाघा की, महादेव जी भी सतगुरां दे बचनां नूं सुन के खुश होए। अपर वार्ता अमर गुरु की करत शलाघा रुच उपजाए। इस तों इलावा कवि जी कहिंदे ने कि सच्चे पातशाह जी दीआं शलाघा दीआं जिहड़ियां गल्लां ने ना उह इक दूजे दे नाल करन लगे। सम पारस के परसे जिसके हुते मनूर सोहेम बनाए। एक दूजे नूं कहिंदे ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी मानो कि एक पारस वर्गे सन, जिन्हां ने भी मानो के पारस नूं छोया वह मानो के मनूर हुंदे होए भी सोना बन गए। बन में जिम एक बावन चंदन तरु सुगंधत कर समुदाए। मानो के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ऐसे सन जिवे मानो के चंदन दा बूटा होवे, पावे के चंदन दा बूटा वड्डे जंगल दे विच इको ही हुंदा है, पर अपनी सुगंधी दे नाल वो सारे दे सारे जंगल नू अपने वर्गा समान चंदन बना देंदा है। इसे तरह दे सन सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी। देश बदेशन मैं निज दासन करा मात साहिब कर दीन। देशां विदेशां दे विच सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे बहुते सारे दास रहिंदे हन, जिन्हां ते सतगुरां ने कृपा करके उन्हां नूं अजमतां दा करा मातां दा दान दिता और उन्हां नूं साहिब बना दिता, उन्हां नूं मालक बना दिता। नर हजारन के बच फोर है सोरे आदक सब करे अधीन। मानो के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे साजे निवाजे होए हजारां ही ऐसे सिख ने जिन्हां दे बचनां दे विच सफलता है। मानो के देवते भी उन्हां दे बचनां नूं टाल नहीं सकदे, देवते भी उन्हां दे बचनां दे अधीन। जिवें आयस कर देत सुभाइक मन तिम वासी पुरतेन। मानो के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा जस किन्ना कि बयान करिए, उन्हां दे साजे जिहड़े सिख ने ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸਵਾਇਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਔਰ ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜਹ ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰੀ ਵਿਸ਼ਣ ਬਿਸਤਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੀਨ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਆਦਿਕ ਕਰਤ ਪਰ ਸੰਸਾ ਹਮਰੇ ਪਿਤ ਪਰ ਆਦਿਕ ਕਿਰਪਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਮਰੇ ਪਿਤ ਪਰ ਆਦਿਕ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਦਿ ਤਜੇ ਸਭ ਦਈ ਵਡਾਈ ਕਰੇ ਵਿਸਾਲ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਜਮ ਆਦਿਕ ਗਨ ਬਿਆਦ ਨਰਨ ਕੀ ਨਿਜ ਪੁਰ ਤੇ ਬਣ ਜੇ ਦੁੱਖ ਜਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने जम दे उत्ते भी रोक ला दिती कि जिन्ना चिर असीं जिउंदे हां साडे पिंड दे विच नहीं आउणा। आद ब्याद नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी नगरी दे विचों वरी दित्ता। मानो के दुखां दा जाल कदे भी गोइंदवाल दे विच नहीं पिया, क्योंकि इतिहास दे विच इस तरह का प्रसंग आया सी कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने यह वचन किया सी, जिन्ना चिर तक असी इस गोइंदवाल नगरी दे विच जीवदे हां उन्ना चिर तक मानो कि कोई भी साडी नगरी दे विच नहीं मरेगा। और साध संगत जी ये वचन सतगुरां दा सच्चा सिद्ध होया। जिन्ना चिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल दे विच रहे उन्ना चिर दे विच कोई भी नहीं मरे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी उस गल दा जिक्र करदे ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी और महादेव जी कहिंदे ने सच्चे पातशाह जी ने मानो के जम नूं काल नूं भी अपनी नगरी दे विच आउणों बंद कर दिता सी, ऐसी सतगुरां दे विच समर्था सी। कौन कौन गुण तिन के भनिऐ अंत न पईऐ त भगत रसाल। एक दूजे नूं कहिंदे ने कि केड़े केड़े गुणां दा गान करिए सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे गुणां दा अंत न पईऐ त भगत रसाल, मानो के गुणां दा कोई अंत नहीं। उठे बहोर सिरी अर्जन सतगुर निज निज सदन गए सब कोए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि इस तों बाद सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सभा दे विचों उठे ने। जदों सतगुरु जी उठे ते आपो अपने घरां दे विच सारे चले। निसा परी भोजन शुभ करके सुठ प्रियंक पर पौंड ससोए। रात दे वेले भोजन छकिया है ते फिर चंगे पलंग दे उते सतगुरु सच्चे पातशाह जी विराजे। प्रात काल कर सौच शनान चल मेहत त्यार गुण होए। प्रातः काल दे वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उठ के शनान पानी कीता है ते फिर गोइंदवाल जान दे वास्ते त्यार होए। महादेव को संग मिलाया चहत सुदर्व साथ पेश होए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने महादेव जी नूं अपने नाल लिया है ते जिन्ने लोड़ी दे पैसे चाहिए सन ओह भी नाल लै। नंदन हर गोविंद पकंदन चंद मनिंद बिलंद दुलार। कवि जी लिखते ने कि सतगुरां दा जिहड़ा नंदन है, सतगुरां दा जिहड़ा पुत्र है भाव के हर गोविंद जी, जेडे मानो के वैरियां दा नाश करन वाले ने, ओह जिहड़े के चंद्रमा वर्गे सोहणे ने, उन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़ा लाड कीता, बड़ा प्यार दिता। दे तीरज बीरज जुत सुत को हाथ बंधन तिन बंधन तार। अपने पुत्र श्री हरगोविंद जी नूं धीरज दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलां दे उत्ते हरगोविंद जी ने नमस्कार कीते। हटे नकेत समेत सिख गण सतगुरु अपने पंथ मजार। श्री हरगोविंद जी नमस्कार करके अपने घर नूं बहुते सारे सिखां दे समेत मुड़ आए ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल दे वल चल पए। अदास मसंद ब्रेंद सिख संगी संग चले जयकार उचार। सतगुरां दे नाल सतगुरां दे बहुते सारे दास ते मसंद ते होर जिहड़े मुखी गुरु घर दे सिख साना ओह नाल चले ते जय जयकार करदे जांदे ने। उलंघे मार्ग गए ग्राम टिग नाम खडूर गुरु स्थान। इस तरह रस्ते नूं तय करदे होए कवि जी लिखदे ने कि जिस पिंड दा नाम है खडूर उस पिंड दे लागे पहुंच गए। सुनदा तूं हित आदर आयो ले निज संग प्रवेशन ठान। जदों दातू नूं पता लगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी आए ने ओह सत्कार दे नाल अपने घर सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं लै गए। डेरा करवाए शुब घर में नीर अनाए पखारे बाण। अपने घर दे विच सतगुरां दा और सतगुरां दे साथियां दा डेरा लवाया, पानी लिया के सारिया दे मानो के हाथ धोए। पग पखान कर टिके कितक चिर श्री अर्जन कर सवधान। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणा नूं धोता है
सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने थोड़ा चिर टेके विश्राम कीता, आराम कीता। ले दा तू संग श्री अंगद थल गए कर बेदर बार। थोड़ी देर आराम करन तो बाद फिर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने दातू नू अपने नाल लिया है। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने जड़ी जगह बनी हुई सी उथे जाके नमस्कार कीते। दर्ब दीन अरदास करायस हाथ जोर ठंडे अगवार। हाथ जोड़ के सतगुरां दी जगह दे उते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी खड़े होए, बहुते सारे पैसे रख के अरदासा करवाया गया। बहुत प्रसाद तहां बरतायस नमस्कार की नसहत तार। बहुता सारा प्रसाद उस जगह दे उते वरताया गया है, नमस्कार कीते है हाथ जोड़ के हित नू धारण करके। दई परकर्मा चार बार फिर संगत सिख सब तिसी प्रकार। इस तो बाद केंद्र के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने चार प्रदक्षिणा कीतियां ने। इस तो बाद सारी सिख संगत ने भी उसे तरीके दे नाल परकर्मा कीतियां। पुनो सेवर में पहुंचे सतगुर दातू सेवा सर्व कराए। इस तो बाद जिथे सतगुरां ने डेरा लाया सी उथे सतगुरु जी पहुंच गए ने, दातू ने हर एक प्रकार दे सेवा कीती। निस सुपते उठ प्रात चले गुर गोइंदवाल आनंद उपाए। रात नू खडूर दे विच बतीत कीता, अगली सवेर ही सच्चे पातशाह जी आनंद नू तारण करके गोइंदवाल चले गए। सोने अगवन अपने पवन दुश्मन दवन जुत समुदाए। कवि जी रखते ने के सतगुरां दे आने नू सुन के अपने पवन दे विच अपने घर दे विच जेड़े के मानो के दुश्मनां दा दमन करन वाले ने सारिया ने सुनिया, पाव के जेड़े गोइंदवाल दे विच मोहन ते मोरी रहिंदे ने उन्हां नू पता लगा के सतगुरु जी आए। निकस मोहरी आगे आयो सो मिलियो रिदै बहु प्रेम वधाए। मोहरी जी अपने घर दे विचों अगल वांडी सतगुरां नू लैण दे वास्ते आए ने ते प्रेम नू वधा के मिले। पुत्र याद परवान अगानी मिलियो गुरु सो आगे आए। इस तो इलावा पुत्र आदिक भी सारा परिवार अगे आण के सतगुरां नू मिले। दोह दिश बंधन करी भाओ तर कुशल पूछ कर सुख सो पाए। दोह पासियां तो नमस्कारां होईयां ने, प्रेम नू तारण करके एक दूजे नू मिले ने सुख सान दी, एक दूजे तो खबर पूछे। सुंदर मंदर बिखे उतारे रुचिर प्रियंक डसाए लियाए। सुंदर मंदर दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा निवास करवाया गया, सोना पलंग लिया के डा दिता। सगल भांत की सेवा कीनस खान पान आदिक समुदाय। हर एक प्रकार दी यथाशक्त सेवा कीती गई है, खान पान दी चंगे तरीके दे नाल सुध ले। निसमै सुपते उठे प्रात को जाए बावली कीन शनान। इस तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने रात नू बतीत कीता। अगली जदों सवेर हुई ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे वल्लों जिहड़ी गोइंदवाल दे विच बौली बनाई हुई सी उस बौली दे विच जाके इशनान कीता। सिख संगत तैसी बिद करके पुनः चुबारे दर्शन ठान। सिख संगत ने भी बौली दे विच इशनान कीता ते इस तों बाद नमस्कार करन दे वास्ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी जगह नू चुबारे दे विच चले गए। क्योंकि इतिहास दे विच इस तरह दा जिक्र आउंदा है कि गोइंदवाल दे विच एक चुबारा बनया होया सी जिथे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी निवास करदे सन, उस चुबारे दे विच जाके नमस्कार कीते। श्री गोरे अमर अंस सब मिलके कीनस चर्चा आत्म ज्ञान। इस तो बाद सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी जड़ी अंश सी उन्हां ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे नाल मिलके मानो के आत्म ज्ञान दी चर्चा कीती। पाण्यो सुण्यो मन गुण्यो भले कर
सब में पायो आनंद महान। कहिंदे ने कि सतगुरां ने कुछ वचन कीते, कुछ उन्हां दे सुने, फिर दोहां दी मानो के ज्ञान दे नाल विचार कीते। इस तरीके दे नाल सब में आनंद पायो महान, सारिआं दे विच वड्डा जिहड़ा आनंद सी ना उह पैदा होया। सत संगत जी, समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरह अगे प्रसंग नूं बयान करनगे, मैं उसे तरह सत संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रज़ा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी सत संगत तों खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार, हे संताह कै सदा संग ने धाराया धार, हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादस गोरिंड को मेरी है प्रणाम।